लगभग 24 घंटे के दिनचक्र के साथ मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल के सबसे परिचित स्थानों में से एक है, जहां पहाड़ हैं, घाटियां हैं, यहां तक कि पृथ्वी की तरह काफी मात्रा में तरल पानी भी मौजूद है। आपको लगता है कि मंगल ग्रह मानव जाति के लिए दूसरा घर हो सकता है, लेकिन आप गलत हैं। मंगल ग्रह एक उग्र, रहने के लिए कठोर बंजर भूमि है, जो प्रकृति के साथ हर मोड़ पर हमारे खिलाफ मजबूती से खड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या इंसान मंगल ग्रह पर रह सकते हैं? मंगल ग्रह की कक्षा से एक बात साफ है कि मंगल ग्रह सूखा है, हालांकि यहाँ पानी की बर्फ है और संभवतः कुछ बहता पानी भी है। पृथ्वी की तुलना में मंगल ग्रह एक वैश्विक रेगिस्तान है। ये ग्रह न केवल सूखा है, यह पूरी तरह से ठंडा भी है। इस ग्रह के सबसे गर्म भागों पर गर्मियों के दिनों में तापमान 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जो वास्तव में बुरा नहीं है, लेकिन ग्रह के औसत तापमान को देखें तो यह -52 डिग्री फ़ारेनहाइट है और सर्दियों में ध्रुवों पर यही तापमान -225 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। इस ग्रह का अधिकांश भाग जीवन के विरुद्ध है। बेशक मानव ठंड के मौसम में भी जीवित रह सकता है। अंटार्कटिका का औसत तापमान लगभग -57 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो वास्तव में मंगल ग्रह के औसत तापमान से भी अधिक ठंडा है, और हमारे पास वहां रहने के लिए एक स्थायी शिविर भी है। लेकिन मंगल ग्रह की सतह पर गर्म रहना आसान नहीं होगा। यह वर्तमान और निकट भविष्य की तकनीकों के साथ तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन फिर भी हमें मंगल ग्रह की सतह पर अपनी लैंडिंग साइट की योजना बनानी होगी। मंगल ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करना एक अनोखी समस्या का परिचय देता है। मंगल ग्रह का वायुमंडल बेहद पतला है। इसका मतलब ये है कि मंगल ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले अंतरिक्ष यान को सतह पर उतरने के लिए एयर रेजिस्टेंस की बहुत कम मदद मिलेगी। साथ ही इसका मतलब ये भी है कि मंगल ग्रह पर सांस लेने के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं है। वास्तव में मंगल ग्रह पर पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित 21% ऑक्सीजन की तुलना में केवल 0.14% ऑक्सीजन है। हालांकि अंधेरी सुरंग के अंत में प्रकाश अवश्य होता है। मंगल ग्रह की सतह पर परक्लोरेट नामक रसायन हाई कंसंट्रेशन में पाया गया है। इसके मॉलिक्यूल में 1 क्लोरीन एटम और 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं। कुछ ऑक्सीजन एटम को अलग करके एकत्र किया जा सकता है और अंतरिक्ष यात्रियों को निवास स्थान के अंदर सांस लेने वाली हवा का एक संभावित स्रोत मिल सकता है। हालांकि इसके दूसरी ओर परक्लोरेट मनुष्यों के लिए बेहद विषैला होता है। जब इसे ऑब्जर्व किया गया तो पाया कि यह मेटाबॉलिक फंक्शंस के साथ हस्तक्षेप करता है और खराब तापमान विनिमय, नींद संबंधी विकार और कुछ रक्त रोगों को जन्म देता है। अभी तक इस रासायनिक धूल को एक निवास स्थान में प्रवेश करने और किसी भी मानव के फेफड़ों में प्रवेश करने से रोकने का कोई रास्ता नहीं मिला है। हालांकि अगर सुरक्षित रूप से परक्लोरेट के साथ पर्यावरण और वातावरण में रहने का एक तरीका मिल जाता है तो इसे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मूल्यवान माना जा सकता है। मंगल ग्रह पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा रेडिएशन है, क्योंकि पृथ्वी में एक सक्रिय आयरन कोर है। इस आयरन कोर से एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो हमारे ग्रह को न केवल सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से दूर रखता है, बल्कि गहरे अंतरिक्ष की भयानक गतिविधियों से भी बचाता है। सन 2004 में लगभग 50,000 प्रकाश वर्ष दूर एक विशालकाय मैग्नेटार विस्फोट हुआ था, जिसका प्रभाव पृथ्वी पर भी पड़ा था, परंतु सुरक्षात्मक मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम सुरक्षित रहे। इस विस्फोट से एक सेकंड के 10वें हिस्से में ही इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई जितनी हमारा सूर्य 100,000 वर्षों में उत्पन्न करता है। दुर्भाग्य से मंगल ग्रह की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए यह अंतरिक्ष से आने वाले हानिकारक तत्वों के लिए एक ओपन टारगेट की तरह है। अभी भी एक सामान्य 180 दिनों की मंगल ग्रह की यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्री उसी समान रेडिएशन के स्तर को ऑब्जर्व करेंगे जितना न्यूक्लियर पावर प्लांट के कर्मचारी 15 साल के करियर में करते हैं। मंगल ग्रह पर भी अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन की खुराक मिलती रहेगी, जिससे कैंसर का खतरा और बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि एडवांस शील्डिंग टेक्नोलॉजीज और पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के बावजूद रेडिएशन अभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर चालक दल के लिए एक बड़ा खतरा है। इसलिए जब तक रेडिएशन परिरक्षण तकनीक आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक मंगल ग्रह पर रहना केवल
एक छोटी यात्रा पर वापस जाना होगा। हमें मंगल ग्रह को पृथ्वी के स्थान पर रखकर देखना चाहिए ताकि हमें एहसास हो कि वास्तव में मंगल ग्रह पर मनुष्यों के लिए रहने योग्य क्षेत्र कितना संकीर्ण है। हालांकि हमारे पास इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजीज हैं। एक ऐसे ग्रह पर जो पृथ्वी की तुलना में सूर्य से 1.5 गुना दूर है और पृथ्वी से 225 मिलियन किलोमीटर दूर, जहां विषैली मिट्टी के साथ दुर्लभ जल आपूर्ति और हिमालय के आकार के धूल के तूफान हैं। आपको यह सवाल करना चाहिए कि क्या मंगल ग्रह पर जाना फायदेमंद होगा या नहीं। अगले 20 से 30 वर्षों में टेक्नोलॉजी इस ग्रह पर मानव जाति का समर्थन करने की स्थिति में होंगी, क्योंकि आज के समय में लाल ग्रह पर स्थायी कॉलोनी स्थापित करना मौजूदा टेक्नोलॉजी से संभव नहीं है, इसलिए हमें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। कल्पना कीजिए, हम सन 2030 में हैं और मानव जाति मंगल ग्रह पर अपने कदम रख चुकी है। कैसा होगा मंगल ग्रह पर हमारा जीवन? क्या हम सतह पर रह पाएंगे, या सोलर रेडिएशन से बचने के लिए हमें अंडरग्राउंड रहना होगा? क्या हम मंगल ग्रह को टेराफॉर्म कर पाएंगे? सबसे पहले जब हम मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे तो हमें दूर क्षितिज तक इस ग्रह की सूखी और बेजान भूमि ही दिखाई देगी। क्या ऐसी जगह पर इंसान जीवित रह सकते हैं? इस ग्रह पर जीवित रहने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होगी? सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन कैसे किया जाए। मंगल ग्रह का वातावरण बहुत पतला है और यह 95% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही है। हम इस ग्रह पर जीवित रहने के लिए पृथ्वी से इतनी भारी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ला सकते, लेकिन हम नासा की मॉक्सी जैसी मशीनों के उपयोग से CO2 से ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। यह हमें और मंगल ग्रह के अन्य वासियों को न केवल सांस लेने के लिए हवा प्रदान करेगा, बल्कि हमें तरल ऑक्सीजन प्रोपेलेंट भी प्रदान करेगा। ये वही मटेरियल है जो रॉकेट फ्यूल में काम आता है। तो यदि हम पृथ्वी पर लौटने का फैसला करते हैं तो इस मटेरियल की हमें आवश्यकता पड़ेगी। मंगल ग्रह पर आहार विकसित करने के लिए कोई उपजाऊ मिट्टी नहीं है, इसके बजाय हम हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग करेंगे। यह एक खनिज और पोषक तत्वों की उपस्थिति में अपनी फसल उत्पन्न करने की तकनीक है। मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। बेशक सतह पर पानी के बिना हमारी कॉलोनी केवल 20% भोजन को विकसित करने में सक्षम होगी, बाकी 80% भोजन की आपूर्ति हमें पृथ्वी से करनी होगी। लेकिन ताजे भोजन की उम्मीद मत रखिए, हमारा सारा भोजन सूखा ही होगा। अन्य मंगलवासियों के साथ हम भी हवा से भरी हुई प्रेशराइज्ड बिल्डिंग में रहेंगे, लेकिन इस बात की अधिक संभावना है कि हमें अंडरग्राउंड ही रहना होगा, क्योंकि मंगल ग्रह की कोई जियोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है और चूंकि इसका वायुमंडल बहुत पतला है, इसलिए मंगल ग्रह के ऊपर की कक्षा में रेडिएशन का स्तर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तुलना में 2.5 गुना अधिक है, जो कि इंसानों के लिए सहन करने के लिए बहुत अधिक सोलर रेडिएशन है। मंगल ग्रह पर सूर्य पृथ्वी की तुलना में आधा ही दिखाई देगा, और यदि हम बाहर निकलना चाहते हैं और जीवित वापस भी आना चाहते हैं तो हमें वायुमंडलीय दबाव की अनुपस्थिति में रेडिएशन को रोकने के लिए स्पेस सूट की आवश्यकता होगी। हमारा स्पेस सूट हमें गर्म भी रखेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल ग्रह पर तापमान बहुत कम है। पृथ्वी पर सबसे ठंडी सर्दियां मंगल ग्रह की औसत सर्दियों की तुलना में स्वर्ग है। मंगल ग्रह पर एक दिन पृथ्वी की तुलना में सिर्फ 40 मिनट लंबा है, और मंगल ग्रह का एक साल पृथ्वी की तुलना में लगभग 2 गुना होगा। यदि हम उत्तरी गोलार्ध पर रहेंगे तो हम 7 महीने वसंत और 6 महीने गर्मी का आनंद लेंगे, फिर 5 महीने शरद ऋतु और 4 महीने सर्दियों में रहेंगे। इस ग्रह पर न केवल तापमान कम होता है, बल्कि एक सप्ताह के भीतर नाटकीय रूप से बदल भी जाता है। इन विविधताओं के परिणाम स्वरूप अक्सर धूल के तूफान आते हैं, जो हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर देंगे। हमें ये भी याद रखना होगा कि मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/3 ही है, इसलिए हमें फिर से चलना भी सीखना होगा। इन सब मुश्किलों के बावजूद भी अगर हम मानव जाति को मंगल ग्रह पर ले जाना चाहते हैं तो हमें मंगल ग्रह पर पहली मानव कॉलोनी के बसने तक इंतजार करना होगा। ग्रह को टेराफॉर्म करके उसी तरह बनाना होगा जहां से हम आए हैं। हमें मंगल ग्रह को थोड़ा गर्म करने के लिए अन्य ग्रहों के वायुमंडलों से अमोनिया बर्फ का आयात करना होगा।
गर्मी मंगल ग्रह के ध्रुवों में उपस्थित ड्राई आइस को गैस में बदल देगी, जिससे मंगल ग्रह को नया वायुमंडल मिलेगा। हमारे लिए यह वायुमंडल अभी भी अनुकूल नहीं होगा, लेकिन कम से कम यह वायुमंडलीय दबाव बनाने के लिए पर्याप्त होगा ताकि हम अंततः अपने स्पेस सूट को उतार सकें। फिर हम मंगल ग्रह के नीचे पानी की बर्फ के विशाल भंडार को निकालेंगे, जलवाष्प वायुमंडल को गाढ़ा और मोटा बना देंगे। आखिरकार हम देखेंगे कि मंगल ग्रह पर बारिश और बर्फबारी हो रही है, और शायद लगभग 1000 साल बाद इस ग्रह पर मनुष्यों के लिए सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन होगी और ग्रह की टेराफॉर्मिंग पूरी हो जाएगी। क्या मंगल ग्रह पर रहना कुछ ऐसा है जिसे हम आजमाना चाहते हैं, या हमारे पास पृथ्वी पर जो भी है हमें उसे ही संरक्षित करना चाहिए? इस पर आप अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा।